झारखंड में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी है। हड़ताल का व्यापक असर एनएचएम के मुख्यालय के साथ साथ अन्य जिलों के हेल्थ प्रोग्राम पर भी पड़ने लगा है। एनएचएम कर्मियों के हड़ताल की वजह से पिछले 3 दिनों से राज्य में हो रहे वैक्सीनेशन की कोई रिपोर्ट जहां जारी नहीं की गई है, वहीं अब कोरोना संक्रमितों की संख्या भी विभाग की ओर से नहीं दी जा रही है। अपनी मांगों के समर्थन में एनएचएम कर्मियों ने आज भी नामकुम स्थित आरसीएच मुख्यालय में प्रदर्शन किया और धरना पर बैठे। धरना पर बैठे एनएचएम कर्मियों का आरोप है कि विभाग के उच्च अधिकारी उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। इतना ही नहीं, बेवजह राज्य के एसपीएम को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने साफ किया कि एसपीएम की बर्खास्त की रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 2400 जिला का समर्थन मिल चुका है और हम लोग उसी आधार पर अब रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, एलटी सभी का समर्थन प्राप्त है हम लोग। और अभी हम लोग आईएमए को भी जोड़ने जा रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और झांसा को भी जोड़ने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग ज्ञापन बना लिए हैं, अपने तरफ से अनुरोध पत्र उनको आज ही दे दिया जाएगा। अब वो लोग भी मनोवैज्ञानिक तौर पर हमें अपना समर्थन देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं सबका समर्थन है, लेकिन यहीं पर कई विंग है जहाँ पर काम चल रहा है, आपके सहयोगी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है कि कहीं पर काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग एनएचएम अनुबंध कर्मी हैं और हम लोग पूर्णतः कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। विगत 11 तारीख से, 11 अक्टूबर 2021 से हम लोग किए हुए हैं और तब तक जारी रहेगा जब तक श्री ज्वाला प्रसाद जी, जो एसपीएम है, हमारे मुखिया है, उनको उनकी बर्खास्तगी अविलंब वापस नहीं ली जाती। हमारे साथ तो हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हम लोग अनुबंधित कर्मी है। हमें बताया जाता, बार बार धमकी दिया जाता कि आपको निकाल देंगे, आपको निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो दुर्व्यवहार है या शोषण या दोहन, दमनात्मक जो उच्चाधिकारियों द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जिस क्रम में हमें हटाया जा रहा है, ये अनुचित है। वैक्सीनेशन पे असर हुआ, कामकाज पे तो सरकार के कामकाज पर असर पड़ ही रहा है। 11 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं, पर वो सर तो अभी जैसे कोविड का अभी तो थोड़ा सा हालत वैसे गंभीर नहीं है, अभी तो बहुत हल्का है। पर हमारी जो मांगे हैं इस पे हम लोग थोड़ा विचार कर रहे हैं कि अभी हमारी जो मांगे जो हमने रखा है कि हमारा जो घर का मुखिया है उसको वापस लाया जाए, ज्वाल प्रसाद को वापस लाया जाए। वो 11 तारीख से हम लोग हड़ताल पर, अभी तक उस पर कुछ निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। हम लोग को सभी जिलों से, लगभग सभी जिलों से लगभग समर्थन प्राप्त है। 24 जिलों का 20 जिलों 18 जिलों से समर्थन प्राप्त हो चुका है और वो भी जिले समर्थन देने के लिए तैयार है। वो अभी कल परसों में सबका समर्थन मिल जाएगा। 32,000 14 साल नौकर के रूप में काम किए, समर्पित होके। अभी हमारा उम्र 48 साल हो गया है, अब बिना कारण का आप हमको निकाल दीजिएगा तो कैसा लगेगा सर? और वो भी कोई गबन का मामला नहीं है, हमने 4-4, 5-5 घोटाला पकड़े हैं, सरकार का राजस्व बचत किए हैं, उसके बावजूद बोलते हैं कि उच्च अधिकारी मेरी बात नहीं मानते हैं। 2-2 बार कोरोना होने के बावजूद भी भगवान ऊपर वाला नहीं मार पाया तो हमारे उच्च अधिकारी मार दिए हमको, जो कि अनुचित है। इस पर लगाम रहना चाहिए। आज मेरे साथ किया गया, कल इनके साथ किया जाएगा, हमारे सभी भाइयों के साथ किया जाएगा, ये तो अनुचित है। सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उच्च अधिकारियों पर, आईएसओ के ऊपर में।